आपको बहुत इज्जत रुदौली के सामईन ने दी, इसमें इनकी तहजीबी सरफराजी का भी दखल है और आपके कलाम की शाइस्तगी का भी हिस्सा है कि आपको इतनी दाद इब्तदा में मिली। देखिए कई शायरात आ रही हैं, इन्हें देखिए, स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं, इन्हें सुनिए। दोस्तों बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, सीनों से कुदूरत को मिटा सकता है, जो आग लगाते हैं सियासत वाले शायर उसे नगमों से बुझा सकता है। हर अहद में शायर की एक जिम्मेदारी रही है कि वो जहनों की तरबियत करता रहा है। आप समझ लीजिए कि या तो फलसफी जहनों की तरबियत करता है या शायर जहनों की तरबियत किया करता है, और ये शायर को जो कुछ मिलता है ये फैज़ान इलाही हुआ करता है, इसमें उसकी मेहनतें उसका शऊर भी शामिल होता है। तो आज ये हमारे जो शोरा हैं इनसे आप अगर तवज्जो से आपने सुना तो बहुत ऐसी कीमती बातें सुनने को मिल जाएंगी कि आप आने वाले दिनों में दर्जनों किताबें पढ़ने से बच जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि एक रात का मुशायरा अगर गौर से सुन लिया जाए तो ये समझ लीजिए कि किसी बहुत ही अहम यूनिवर्सिटी में बरसों पढ़ने के बाद जो जहन में रोशनी आएगी वो एक रात का मुशायरा सुनने में आएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ बहुत तवज्जो से हर शायर को सुनिए। मेरी फहरिस्त में इस वक्त 6 अदद शायरात हैं, यानी 2 अदद बढ़ गई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि किसी शायरा को इस वक्त जहमत दिया जाए, क्या ख्याल है? हाँ, नई उम्र के लोग इस वक्त यही सब चाहते हैं। हाँ, निशाना कहीं होता है, नज़र कहीं होती है, ये नई उम्र के लोगों की बहुत बड़ी खूबी होती है। आइए, हाँ हम भाई इधर उधर हो जाइए, असल में इन लोगों का मसला जो है मुशायरा सुनने से ज़्यादा मुशायरा देखना भी है, तो इसलिए इनको देखने का मौका पूरा पूरा दे दीजिए। बहुत अच्छे, क्या कहने हैं। माइक अब दुरुस्त हो गया, शकील भाई मौजूद हैं, ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फहरिस्त में एक बिल्कुल नौउम्र शायरा का नाम है जिसने चंद बरसों में अपनी शोहरत के बड़े फासले तय किए हैं। देखिए कुदरत की ये भी क्या बड़ी सौगात है, देखिए कुदरत की ये भी क्या बड़ी सौगात है, लड़कियों से 2 घरों में नूर की बरसात। तो आइए, जब वही लड़की जो नूर की बरसात करती है वो जब माइक पर आती है तो अपने जज्बात का इजहार कितने सलीके से करती है, ये हुनर देखना हो तो मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी को आवाज़ दी जाए। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ, मुझे यकीन है कि उनका कलाम सुनते ही आप मुशायरे के माहौल में आ जाएंगे। आइए रुखसार साहब। वालेकुम अस्सलाम। अब दिख रहा है आप लोगों को? बहुत पहले शायद मेरी यहाँ हाजिरी हो चुकी है।
भाई भाई। अब मैं सलाम कर देती हूँ, अस्सलाम वालेकुम अज़हर। मेरा ही नंबर आता है जब भी मैं आती हूँ, सबसे पहले मुझे बुला लिया जाता है, बहुत डर लग रहा है मुझे। एक मतला चंद शेर पढ़ती हूँ, देखिए दुनिया में बहुत सा काम पहली ही मर्तबा करना पड़ता है, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। चलिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और अब मुशायरे को मुशायरा बना दीजिए, मतला हाजिर करती हूँ। देखें सदर चंद लम्हों की फकत तेरी मसीहाई है। बहुत शुक्रिया। चंद लम्हों की फकत तेरी मसीहाई है, चंद लम्हों की फकत तेरी मसीहाई है, फिर वही मैं हूँ वही रात की तन्हाई है, फिर वही मैं हूँ वही रात की तन्हाई है। और शेर हाजिर करती देखें, क्यों ना गुजरे ये रुदौली वालों दिल थाम के बैठिएगा, ये आपके मतलब की बात कर रही हूँ। रुजवी साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ, इतना बड़ा मुशायरा उन्होंने हाजिर करती हूँ। देखें नया भाई साहब मुलाजा करें, क्यों ना गुजरे ये शबे हिजर कयामत की तरह, क्यों ना गुजरे ये शबे हिजर कयामत की तरह, क्यों ना गुजरे ये शबे हिजर कयामत की तरह, रात जब आई तेरी याद भी साथ आई है, रात जब आई तेरी याद भी साथ आई है, दोस्तदारी है कहाँ कैसी वफादारी, अब दोस्तदारी है कहाँ कैसी वफादारी, अब दोस्तदारी है कहाँ कैसी वफादारी, अब जब यहाँ भाई का दुश्मन ही सगा भाई है, जब यहाँ भाई का दुश्मन ही सगा भाई है, चंद लम्हों की फकत तेरी मसीहाई है। और ये आखिरी शेर हाजिर करती हूँ, उसके बाद भाई कहूँ मैं नई गजल पढ़ी जाए तो मैं नया शेर सुनाऊंगी। हाजिर करती हूँ, देखिए जी हाँ बिल्कुल। छोड़ दे लाश को, बहुत सीनियर लोग बैठे हैं इसलिए मतलब मियारी गजल पढ़नी पड़ी, उसके बाद मैं नौजवानों की भी खिदमत करूंगी। देखें छोड़ दे लाश को अब रोना लिपट कर मुझसे, छोड़ दे लाश को अब रोना लिपट कर मुझसे, छोड़ दे लाश को अब रोना लिपट कर मुझसे, बाद मुद्दत के मुझे चैन की नींद आई है, बाद मुद्दत के मुझे चैन की नींद आई है, चंद लम्हों की फकत तेरी मसीहाई है। अब बिल्कुल नई गजल का मतलब आपके खिदमत में पेश करती हूँ, और अगर आप इस बार कहेंगे कि ये पुराना है तो मैं बैठ जाऊंगी, नहीं पढ़ूंगी, और इंशाल्लाह मैं पहली मरतबा और रुदौली में पढ़ के देखना चाहती हूँ कि मुझे अगर यहाँ दुआएं मिली तो जहाँ भी जाऊंगी पढ़ूंगी। समाज करें हर तरह से सजाए बैठी हूँ, ये नया है, बस जोरदार तालियां मुशायरे के लिए बजा दूं।
बहुत शुक्रिया, हाजिर करते हैं। देखें, हर तरह से सजाए बैठी हूँ, 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 खुद को दुल्हन बनाए बैठी हूँ, खुद को दुल्हन बनाए बैठी हूँ। और शेर हाजिर करती हूँ, देखें, मैं तेरे नाम की हथेली पर क्या कहने का, मैं तेरे नाम की हथेली पर, मैं तेरे नाम की हथेली पर, मैं तेरे नाम की हथेली पर आज मेहंदी रचाए बैठी हूँ, आज मेहंदी रचाए बैठी हूँ। शुक्रिया। और ये भी शेर मिलाजा करें, मुझको डर है कि फिर ना बह जाए, 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 फिर मैं काजल लगाए बैठी हूँ, फिर मैं काजल लगाए बैठी हूँ। और मेरा पसंदीदा शेर लहजा करें, तुझको अपना, अरे क्यों खराब कर रहा है भाई साहब मुशायरा, अरे खराब तो हो ही रहा है, पहले कुर्बानी हमारी हो जाएगी। जी हाजिर करती हूँ, देखें, हाजिर करती हूँ, मुलाजा करें, हर तरह से सजाए बैठी हूँ तुझको अपना बनाने की खातिर, तुझको अपना बनाने की खातिर, तुझको अपना बनाने की खातिर, तुझको अपना बनाने की खातिर सबको अपना बनाए बैठी हूँ, सबको अपना बनाए बैठी हूँ। और मख्ता भी मुलाजा करें हजरात, मुझको दुनिया से क्या गरज रुखसार, 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 उनको दिल में बसाए बैठी। नहीं, गीत का हुक्म है, मैं गीत पढ़ती हूँ जी। शुक्रिया, मैं जा नहीं रही थी, देख रही थी उर्दौली वाले मोहब्बत करते हैं मुझसे या नहीं, अगर आप लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, हज करती हूँ जी। गीत का हुक्म है, मैं गीत बिल्कुल एक नया गीत आपके खिदमत में पेश करती हूँ, देखें। आओ अब ले के चलो, आओ अब ले के चलो, मुझको बना कर दुल्हन, बहुत बेकरार हैं आप लोग, यही सुनना चाहते हैं। आओ अब लेके चलो मुझको बना कर दुल्हन, ऐ मेरे प्यारे सजन, जान से प्यारे सजन, माशाल्लाह, ऐ मेरे प्यारे सजन, जान से प्यारे सजन, आओ अब लेके चलो मुझको बना कर दुल्हन, ऐ मेरे प्यारे सजन, जान से प्यारे सजन। बंद हाजिर करती हूँ, इरशाद जी। ऐ मेरे प्यारे सजन, जान से प्यारे सजन, बेकरारी मेरी कुछ और बढ़ाने आई, बेकरारी
कुछ और बढ़ाने आई, नाम लेकर तेरा सखियां भी जलाने आई। फिर सरे शाम, फिर सरे शाम हुई है मेरी आंखें सावन। ऐ मेरे प्यारे सजन, जान से प्यारे सजन, ऐ मेरे प्यारे सजन, जान से प्यारे सजन। और ये आखिरी बंद पेश करती हूँ, बहुत शुराए कराम सबको सुनना है इसलिए मैं बहुत कम पढ़ रही हूँ, हाजिर करती हूँ। देखें, दिन ब दिन किस लिए तुम दूर हुए जाते हो। ये आखिरी बंद दुआएं दीजिएगा हजरात। दिन ब दिन किस लिए तुम दूर हुए जाते हो, बात करते नहीं मगरूर हुए जाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं मिल गई कोई सौतन। ऐ मेरे प्यारे, बहुत अच्छे, बहुत